नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूं मनोहर लाल शर्मा जी के आवास पर। आज यहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आने वाले हैं। हाल ही में मनोहर लाल शर्मा जी ने बीजेपी ज्वाइन की है और अपने दल बल के साथ यहाँ से वो जहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आएंगे यानी नेहरू स्टेडियम में अपने दल बल के साथ पहुँचेंगे। आइए जानते हैं कि क्या कहना है उनका, क्या कहेंगे यहाँ पर अपने दल बल के। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री रुड़की के नेहरू स्टेडियम में आ रहे हैं और आपके यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी भीड़ आपके साथ यहाँ पर मौजूद है और जो रैली में सभा में मौजूद होने के लिए आप पहुँच रहे हैं। देखिए आज ये रुड़की के लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी पधार रहे हैं और उनके साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी और हमारे सांसद माननीय निशंक जी और बहुत सारे नेता यहाँ पर आज पधार रहे हैं। मोदी जी की 9 साल की जो उपलब्धियाँ हैं देश के लिए उनको विस्तार से जनता को समझाने के लिए आज ये हमारे नेतागण यहाँ पर पधार रहे हैं, क्योंकि चुनावी 2024 का माहौल भी नज़दीक है। इसलिए सब नेताओं को अब ये काम सौंपा गया है हाई लेवल से कि आप गांव-गांव घर-घर जाकर ये बताइए कि 9 वर्षों में मोदी जी ने क्या उपलब्धियां देश और समाज के लिए की हैं। तो उसके लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य नेतागण यहाँ पधार रहे हैं। जैसे रुड़की में बहुत सारी समस्याएं हैं, जल भराव की समस्या है, क्या इसको लेकर भी आज मुख्यमंत्री से कुछ कहा जाएगा? वो मुख्यमंत्री स्तर की समस्याएं नहीं है, तो नगर निगम की समस्याएं हैं, लेकिन वो सुलझती नहीं ना, इसलिए नहीं सुन जाएंगी तो उसके लिए फिर मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो नरेंद्र मोदी जी 9 साल के बेमिसाल की बात कर रहे हैं कि जो कार्य बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं, यहाँ पे कंप्लेंट भी दिए जा रहे हैं। 9 साल बेमिसाल, 2014 से लेकर के जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तो हमारे प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा स्तर पर ये कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र का कार्यक्रम रुड़की में आयोजित किया गया है। इसके कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हमारे ऊर्जावान युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और प्रदेश योजना की बात करें तो जो पेंशन बहाली को लेकर जो कर्मचारी परेशान हैं उनको लेकर क्या कहोगे, लगातार प्रदर्शन होता है भाई? देखिए पिछले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि वो इस मुद्दे को लेकर के बहुत सीरियस हैं और उनकी केंद्र से भी बात हो रही है और अभी प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा रहा है। आप भी जानते हैं क्योंकि केंद्र में भाजपा सरकार है, यहाँ भाजपा सरकार है, अकेले में प्रदेश स्तर पर निर्णय होना संभव नहीं है, इसलिए उसमें प्रस्ताव भेजा जा रहा है। और आपको एक और जानकारी दे दूं, वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, वो कमेटी पुरानी पेंशन बहाली के लिए फार्मूला तय कर रही है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से 2024 से पहले पुरानी पेंशन बहाली का एक अच्छा फार्मूला आने वाला है और वो सबको स्वीकार्य होगा। देखिए ये तो भाजपा का 9 साल का कार्यकाल है जिसमें 9 साल बेमिसाल का जो नारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया है, ये उनके कार्यों का पूरा विवरण है। 9 साल के अंदर कितनी योजनाएं जो पटल पर आई हैं और जो लाभार्थियों को लाभ मिला है, ये सब 9 साल बेमिसाल का जो नारा दिया गया उसी का परिणाम है। दो हजार का नोट किस लिए बंद हुआ है ये पूरे देश की जनता जानती है कि 2000 का नोट क्यों बंद किया गया। कारण क्या है कि 2000 का नोट इसलिए बंद किया गया है कि आने वाले चुनाव इसमें 101% मैं आज आपको बता दूं
क्योंकि इसकी नकली करेंसी 2000 नोटों की वो ऑलरेडी छप चुकी थी जो हवाला के थ्रू भारत में आने वाली थी, इसलिए 2000 का नोट बंद किया गया है। हाँ क्यों नहीं कहना मुझे, ये तो सारे आप अखबार समाचार पत्रों में कहना मुझे देख लीजिए।